चलिए स्मृति, द कंसेप्ट ऑफ अवर मिरर फॉर्मूला बेटा एंड मैग्निफिकेशन विल आल्सो बी डिस्कस्ड अलोंग विद दैट बेटे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बेटे जो है ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप जो है ये बता देता है। मिरर फॉर्मूला बेटे जो है इट गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बेटे स्मॉल यू कहते हैं ना, इमेज डिस्टेंस बेटा, इमेज डिस्टेंस इसको आप स्मॉल वी कहते हैं एंड फोकल लेंथ बेटे, एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को आप बेटे स्मॉल एफ से डिनोट किया करते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपना ये रिलेशनशिप यू वी और एफ के बीच में जो है इसको मिरर फॉर्मूला बोलेंगे। रिलेशनशिप है क्या, वन बाई बी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ बेटा, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। अब आइए एक बार बेटे स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसको देख लें कि ये आया कहाँ से, कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला के रिगार्डिंग बेटा लेट मी टेक द हेल्प ऑफ द कंकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कंकेव मिरर। आप साथ साथ बेटे डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपका कंकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंकेव मिरर भी आप कह सकते हो। ये आपके कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पेंटेड पार्ट आ जाएगा जी, और फ्रंट वाला सरफेस आपका पॉलिश सरफेस होता है, दिस इज वेल नोन टू यू। और आपने ये देखिए आपके प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से। आप लोगों ने बेटे कोशिश कर दी है फ्री हैंड ड्रॉ करने की, कंपास वगैरह मत यूज करिए, स्केल वगैरह मत यूज करिए, प्रेजेंटली लेट इट बी ड्रॉन एज फ्री हैंड। होल आपने बना लिया, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, एंड दिस इज योर ऑल राइट। अब आपने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट जो है इसको प्लेस कर लिया आपने एट ए पॉइंट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम आप रख दीजिए, ए बी, ए बी रख दें, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। ए बी ऑब्जेक्ट से आपका एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रहा है, यहां पे जाके स्ट्राइक किया, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया डी, राइट बेटा। जो रे पैरेलल जाता है ये फोकस में से बेटे रिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाएगा। ये रे आपका ये देखिए फोकस में से पास करके इधर आ जाए, राइट बेटा। एक और हम सेकेंड रे यूज कर लेते हैं, अगर मुझे चौक और कलर का मिल जाता है तो यस इट विल बी मच बेटर। हमने एक सी में से पास करता हुआ रे ड्रॉ किया, ये जो रे सी में से जाएगा बिकॉज इट इज गोइंग अलोंग द नॉर्मल, ये एज सच वापिस भी आ जाएगा रिफ्लेक्ट होकर बेटा, है ना। दोनों रेज आपको यहां पर एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, इसको पॉइंट को आपने ए डैश एंड बी डैश कह दिया, ये वाला इस पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। तुझे दिख रहा है कि नहीं, यहां से इस तरफ आ जाओ, ठीक कर लिए इधर से निकल। और
आपने डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और इस पॉइंट को आप एल पॉइंट कह सकते हो, राइट बेटा? अब सारे स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे कि गुरसेवक रोज ही लेट आता है, कल भी लेट ही आया था ये। और बेटे ये देखो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, आपको पता है पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर किया करते हो, ये आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपने स्मॉल यू बोल दिया, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं। ये बच्चों आपका इमेज, ये देखिएगा इसको वी बोल दें, राइट बेटा? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप जानते हो ये आर के बराबर होता है, आप इसको ट्वाइस फोकल लेंथ भी कह दिया करते हो, इट विल बी देयर, ऐसा है ना? ओके, एफ पॉइंट आपका जो है ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ के बराबर है, जरा चेक करिए सारे पैरामीटर्स को बेटा, ध्यान से देखिएगा, कोई बात आपको नहीं पता चल रही तो बताइए। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल ही होता है ना, हमने बात की थी लास्ट टाइम कि आपका जो फोकस है दैट इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज वाई आर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, या एफ इट इज वन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक? देन बेटा डियर चिल्ड्रन, ये रब कर दूं ये वाला पार्ट, लेट पता नहीं क्यों हो जाते हैं। तो आइए देखें बात करके आगे, अगेन फोकस करिएगा, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल आप देख पा रहे हो अच्छे से, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा ध्यान से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बराबर होंगे, ये 90 का एंगल है, ये भी है, ट्रायंगल में अगर दो दो एंगल बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा बराबर हो ही गया ना बेटे, 180 में से माइनस कर देंगे ना दोनों का सम, सो वी विल से दैट कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं दीज आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ऐसा है, राइट? अगर तो नहीं, ऐसा है ही है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि दो दो एंगल बराबर हैं, तीसरा बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख सकते हो ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, दैट इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बी डैश सी एंड बी सी, राइट? इसको मैं लिखूंगा बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी, कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी, रेशियो ले ली साइड सी, ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट? चलें आगे, देन आ जाइए बेटे हमारे पास ए डैश बी डैश एफ ट्रायंगल, छोटा सा आप देख पा रहे होंगे, ए डैश बी डैश एफ एंड डी एल एफ ट्रायंगल, डी एल एफ दोनों विजिबल हैं सारे स्टूडेंट्स को, बड़े ही ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार, ये एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं? बहुत बढ़िया, ये एंगल और तीसरा एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल्स, ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी आप ए डैश बी डैश अपॉन डी एल देखिएगा, ए डैश बी डैश अपॉन डी एल इट इज बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एल एफ,
लिख सकते हैं ना। अब जरा DL को ध्यान से देखिए डायग्राम में, ये है DL, AB के बराबर है, लिख दूं? लिख देना चाहिए फिर, लेट इट बी AB, ठीक है जी। LF को ध्यान से देखिए, ये है, जब भी हम मिरर की बात करते हैं हमारा, चलिए हमने मे भी बात नहीं की होगी, हम सबसे पहले ये चीज अज्यूम करके चलते हैं कि जो मिरर का कर्वेचर है ये बहुत छोटा है, कम है। कर्वेचर का मतलब होता है जो आप ये वाला सरफेस देख रहे हो, ये कम है, ये बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, ऐसे है, राइट। अगर ये ऐसे होगा तो आपका एल पॉइंट पी के क्या होगा, बहुत ही नजदीक होगा। आप L को P से रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज हमारा कर्वेचर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेबोरेटरी में आपको मैं मिरर दिखाऊंगा जब हम जाएंगे, तो यू विल नोट, आपने देखा ही अपने आपके स्कूटर एक्टिवा मोटरसाइकिल कार के साइड पे लगा होता है, कोई ऐसे थोड़ी लगता है, ये ऐसे थोड़ी लगता है, वो थोड़ा सा स्लाइड ही लगता है। सो दैट विल इंडिकेट कि L को आप P से रिप्लेस कर सकते हो, और मैं इस जगह पर एल एफ की जगह पर पी एफ लिखूं बेटा, राइट। इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह देता हूं। इक्वेशन नंबर टू और वन को ध्यान से देखिएगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है ना, तो राइट हैंड साइड को आप लिख दीजिए फिर, बी डैश सी अपॉन बी सी, इट इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ बेटे। अब एक बेटे समस्या है हमारे पास, समस्या ये है कि आपने बिल्कुल पहली साइन कन्वेंशन में लिखा था कि आप सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करोगे, लिखा था ना कल। अब जरा बी डैश सी को देखिए, ये तो आपका ये वाला डिस्टेंस है, अब आप पोल को कैसे लेके आओगे इसके बीच में, तो सजेस्ट द वे आउट। आप कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं बताना, देखो सोचो जरा, इसमें आप पोल को कैसे लेके आओगे, आपको डिस्टेंस पोल से मेजर करना है। आप गुड़िया इसको सी बी डैश को जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं पी सी माइनस पी बी डैश लिख लूं तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? तो पी सी माइनस पी बी डैश ठीक रहेगा कि नहीं, पहले ये बताइए। आपका डिस्टेंस पोल से मेजर हो गया दोनों केसेस में, आपके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हैं हम चल रहे, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो बीसी भी बताइए फिर, क्या लिखूं बीसी को मैं, ये बीसी है, बीपी नहीं कहना, पी बी कहना है, पी पहले बोलना है, पी बी पी सी लिख दो, राइट। बी डैश एफ को देखिएगा ध्यान से, बी डैश एफ एंड सजेस्ट मी हो आई कैन राइट इट, पी बी डैश माइनस पी एफ, बहुत बढ़िया, आपको आ गया सर आई, पी बी डैश माइनस पी एफ, और पी एफ को तो जरूरत ही नहीं है, पी एफ ही रहने देते हैं, ये तो ऑलरेडी पी आ ही रहा है इसमें। अब बेटे टाइम आ गया है साइन कन्वेंशन को माइंड में रख के अप्लाई करने का, राइट। पी सी को ध्यान से देखिए, आपने ऑलरेडी इसको क्या लिखा हुआ, पी सी को 2F, आपका साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? आप पी से चल पड़े इधर को, ये रे इधर जा रहा है, तो इट मस्ट बी नेगेटिव है ना, तो माइनस टू एफ लिख दें। व्हाट अबाउट पी बी डैश, पी बी डैश आपके ये आप पोल से इधर आ रहे हो, लाइट उधर जा रही है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, वेरी राइट। नैना बताएगी पी बी को क्या लिखें, पी बी ये साइन कन्वेंशन लगा के बताएंगे, माइनस यू, यस।
और पी सी, आर नहीं लिखना, हमने टू एफ लिख देना है, एंड इफ वी विल बी अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस, प्लस टू एफ आ गया जी। सारे बच्चों को समझ लग रहा है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये है ये आसान। पी बी डैश किसके बराबर है आप बताइए, माइनस थ्री आपने ऑलरेडी किया, पी एफ को आपने माइनस एफ कहा, और ये चीज आपके पास बन गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है? आप एक मिनट के लिए चेक करिएगा, साथ साथ फिर लिखना आप बेटा। लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वालिटी साइन। पहले मैं ये कर रहा हूं, राइट? ये आ गया 2f का स्क्वायर, अगर बेटे कुछ लगेगा तो मुझे बता दीजिएगा। ये आ गया, पहले मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा। अरे पुत्र आप कौन सी गिनती मिनती करने लग गए, इसको करिए मल्टीप्लाई, दिस इज यू वी माइनस 2bf, फिर f से मल्टीप्लाई करिए माइनस यू एफ प्लस 2f का, देखिए कोई टर्म आपको कम ज्यादा या ऐसे तो नहीं लग रही, बोलो पुत्र। आइए देखें, चेक कर लेते हैं, v से मल्टीप्लाई किया v इंटू यू, ये आ गया, v से मल्टीप्लाई किया माइनस 2bf आ गया, f से मल्टीप्लाई किया माइनस यू एफ, एफ से मल्टीप्लाई किया 2f का स्क्वायर, मुझे ठीक लग रहा है, राइट? अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटे, डियर चिल्ड्रन, आइए देखें, सोचें, समझें। कटिंग भी करते हैं, रुको जरा, ये चलो कटिंग ही कर दो पहले, ये कटिंग कर दी, राइट? ये दो टर्म्स आपकी नेगेटिव है, इनको इधर ले आए, ये आ गया 2bf, इसको इधर लेके आए, ये वी एफ एक ऑलरेडी इधर पड़ी था, रख दिया इसको ऐसे, इसको इधर ले आए प्लस यू एफ, ये यू वी को हमने कुछ नहीं कहा, इसको रहने दिया ऐसे, राइट? 2bf माइनस वी एफ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वी एफ प्लस यू एफ इज यू वी, राइट? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई यू वी एफ। अरे नहीं गुड़िया, कॉमन क्यों लेना, थ्रू आउट बाई यू बी एफ, कॉमन लेना, कॉमन ले लो, एक ही बात है, दिस इज बी एफ अपॉन यू बी एफ, यू एफ अपॉन यू बी एफ, यू बी अपॉन, जरा देखिए फटाफट देखिए ये चीज हो गई, ताकि हम जो हमारी फालतू की टर्म्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। आप जिससे भी करना है सारी तरफ एक से ही करना है डिवाइड या मल्टीप्लाई, अपनी मर्जी से लिया आपने, तो वी विल बी हैविंग इट टू बी वन बाई यू प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू वन बाई एफ। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अपनी मर्जी आपकी जो है ना वो इस चीज को ध्यान में रख के होनी चाहिए कि आप यहाँ पे पहुंच जाओ, ये ना हो कि आपको आना जाए, आप पहुंच जाए कहीं और, फिर मर्जी का कोई फायदा नहीं, ठीक है? सो दिस इज वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज वन बाई एफ, बेटे राइट बेटा? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है तो बताइए, नहीं तो चले आगे और डिस्कस करें मैग्निफिकेशन। यस बेटे, डियर चिल्ड्रन, क्लियर ऑल? चलिए फिर आगे चलते हैं, रब कर दूं इसको मैं। इसके बाद बेटे अच्छा एक बात और आपको मैं बता दूं, ये जो स्टेप बाय स्टेप हमने किया है डेरिवेशन को, वो आपको एग्जाम में पूछते नहीं है, बट ये डेरिवेशन हमें, लिसन बेटे लिसन, डेरिवेशन का प्रोसीजर आपको आता है ना तो आप न्यूमेरिकल कभी आपका गलत नहीं, गलती नहीं करेंगे, तो वैसे है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा इधर उधर ही करना है, आप कर लेना बेटा। आइए आगे चलें, इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है
मैग्निफिकेशन इन द मिरर्स क्या होता है? लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दिस पार्ट बेटा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन द मिरर्स. मैग्निफिकेशन इन मिरर्स. मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन जो टर्म है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मान लीजिए ये मेरे पास चौक इतने साइज का है, इसको मैं अगर मिरर के सामने रख दूं तो इसका इमेज बनेगा. उसका इमेज का साइज मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, उस साइज को इस साइज से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका इमेज कितने टाइम बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है. इस चीज को मैग्निफिकेशन कहते हैं बेटा. सो मैग्निफिकेशन को पहले डिफाइन कर ले बेटा. मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से आप डिनोट करोगे. मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जनरली हम बेटे इमेज के साइज को एच टू और ऑब्जेक्ट के साइज को एच वन कह दिया करते हैं. तो आइए आपको एक बार मैं ये भी बेटे वर्कआउट करके बता दूं. एम आपके पास आएगा बेटा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. आओ बच्चों वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप इसको सारे को देखें, समझें और सोचें. अगेन आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा कि ये आपका कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कंकेव मिरर है, और अपर्चर इसका क्या है, बड़ा है कि छोटा है? गुड, दिस इज द असम्पशन वी आर यूजिंग. ये लाइन क्या कहलाती है? ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, राइट? एक रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला गया. ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मैं नहीं मार्क कर रहा, मुझे जरूरत नहीं है, फोकस में से पास करके निकल जाएगा. लेट इट गो एज सच, राइट? सेकेंड रे जी जी से निकलवाना हमने इस बार. लेट इट गो डायरेक्टली अप टू द पोल पी. चला गया जी. ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बराबर होगा, होना पड़ेगा उसको, राइट? ये आपका एंगल आर आ गया. यहां पे ये दोनों रेस मिल रही हैं, असल में मिल रही हैं. ये बन गया ए डैश बी डैश, बन गया बढ़िया ना? देखो फिर आप बोलते नहीं है ना, दिस इज आई दिस इज आर, राइट? इसके बाद आइए थोड़ा सा मैथमेटिकल डिटेल की बात करके देखें, इसके साथ रिलेटेड डिटेल क्या है. ध्यान से देखिएगा, ए बी पी ट्रायंगल ए बी पी देख रहे हो आप, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी दिख रही है पुत्र जी सबको. इसके साइज को मैं एच वन कह देता हूं, इसके साइज को एच टू कह देता हूं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? ऑल राइट. दोनों ट्रायंगल्स देखो, इनमें एंगल आई और आर क्या है? ये एंगल क्या है? तीसरा एंगल क्या हो गया? तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई?
को आपको दिखा रहा होता है. दीज आर कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स. अगर ऐसा है तो डियर चिल्ड्रन हम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को पी बी डैश अपॉन पी बी लिख सकते हैं. जरा देख के बताइए. लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, है ना. पी बी ये आपका वी है, सॉरी यू है, ये बी नहीं है. लेट मी राइट इट यू. ऐसा है, ऐसा ही तो है. और ये भी है ना. अब इनकी वैल्यूज डाल दें इस एक्सप्रेशन में जो हमने निकाला हुआ है. बेटे ए डैश बी डैश जरा देखिए डायग्राम में किधर है. मिल गया ना. इसको क्या लिखूं मैं. सोच के बोलो आप, ऐसे भी जल्दी में मत बोलो. इसको हमने एच टू वैसे बोला हुआ है, तो व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर. साइन कन्वेंशन क्या कहती है. अरे नहीं, तीसरी चौथी साइन कन्वेंशन क्या है. यस, ये माइनस एच टू आ गया. ए बी आप बताइए. ए बी, ए बी मिला कि नहीं. हाँ जी, एच वन पॉजिटिव नेगेटिव भी कुछ और. तुक्का लगा रहा है, तुक्का. एच वन पॉजिटिव आएगा बेटा, साइन कन्वेंशन कहती है, हमारी मर्जी थोड़ी है ना. और पी बी डैश आप बताइए. पी बी डैश डैश नहीं 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 पी तो ऑलरेडी है ही है. माइनस वी. अब आपको चीजें पता चल गई हैं सारी. और पी बी सोच के बोलिए. माइनस यू. यस, तो ये कट गया. आपने अभी अभी मैग्निफिकेशन में कहा था साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट का रेशो था, यही था ना. यहां से H2 अपॉन H1 निकाल लें. निकाल सकते हैं, निकाल ही सकते हैं. इसको उधर ले जाओ, साइन को ये लो. दिस इज माइनस वी बाई यू. तो आपका मैग्निफिकेशन कितना बन गया. इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट के साइज का रेशो आल्सो माइनस वी अपॉन. इज इट देयर. अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लाइट इधर जा रही है, आप इधर आ रहे हो. साइन कन्वेंशन नंबर वन और टू और थ्री. ठीक है जी, सारे बच्चों को समझ आ गई बात. चलें आगे. नहीं ये एच टू अपॉन एच वन की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी तो माइनस वी बाई यू के बराबर भी आ गया. अरे उसके बराबर है अभी, मर्जी थोड़ी है, जो है वो ही पुट कर रहे हैं. राइट, एच वन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, साइन कन्वेंशन नंबर चार, चौथी साइन कन्वेंशन. ठीक है, चलें जी आगे बेटा. दो तीन मिनट आपके और लूंगा मैं, देन टाइम कितना रह गया हमारा, कितने तक होता है. 3 मिनट में हो जाएगा सारा. आइए देखिए, आपका मैग्निफिकेशन के लिए मैं आपको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एडिशनल फॉर्मूलाज बता रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा. लिख लीजिएगा हेडिंग अदर फॉर्म्स ऑफ द अदर फॉर्मूलाज और मैग्निफिकेशन. पहले समझना ध्यान से, लिखना नहीं कुछ भी. अभी आपने आपका मैग्निफिकेशन था माइनस वी अपॉन यू था. मिरर फार्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ. जरा आराम से देखिएगा. इसको मैंने बी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया. आई विल गेट 1
plus v by u is v by f, right? वन को मैं उठा के उधर ले गया, v by u, v by f minus वन, इसको थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, इट विल बी v माइनस एफ अपॉन एफ आ गया, ये v by u की वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, मेरे पास m बन गया नेगेटिव, ये साइन ऑलरेडी था, इट इज v माइनस एफ अपॉन एफ, ये बन गया f माइनस v अपॉन एफ, ये मैग्निफिकेशन आपका फोकल लेंथ और v की टर्म्स में, इसमें u नहीं है, ये ही इसकी खास बात है, समझ आ गया? एक मिनट में नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं पता चली तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन। वैसे तो आसान है, कुछ भी नहीं, सीधी सीधी बातें हैं, मिरर फार्मूला को मल्टीप्लाई किया, वी से कुछ नहीं किया हमने, और आपका जो मिरर फार्मूला है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाई वी, और वी से मल्टीप्लाई करने पे हमें डायरेक्टली हमारा रिलेशनशिप मिल रहा है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट नहीं पता चला तो बताइए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन, अदरवाइज एक मिनट आपका और लूंगा, देन वी विल बी फिनिशिंग विद अवर मिरर पार्ट इन ऑल। चलें जी आगे, डन, ऑल राइट बेटा, आइए देखें आगे। ये आपका पहले फिर से एक बार समझ लीजिएगा, नोट बाद में कर लेना, हार्डली इट विल टेक ए मिनट। आपका मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू के बराबर है, जरा ध्यान दीजिए फिर बेटे, प्लीज वेट 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 बेटा, इधर ध्यान दो, इधर वी है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज वन बाई एफ, अब मैं इसको बेटे स्मॉल यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आई विल गेट यू अपॉन वी प्लस वन, राइट, दिस इज इक्वल टू यू अपॉन एफ, वन को उठा के इधर ले गया मैं, यू अपॉन वी u अपॉन एफ माइनस वन, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, इट इज u माइनस एफ अपॉन एफ, और ये देखो u अपॉन बी, u माइनस एफ अपॉन एफ ही निकाला था, उल्टा कर दो रिलेशनशिप को, v अपॉन u, f अपॉन u माइनस एफ बन गया, इसकी वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको मिलेगा m इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f अपॉन u माइनस एफ एंड इट इज f अपॉन f माइनस u, राइट बेटा, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन v, इट इज इन टर्म्स ऑफ u एंड f ओनली, सो इन दिस वे आप अपना रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं पता चली तो जरूर, पहले v से फिर u से, बिल्कुल ठीक। हाँ जी बेटे आदित्य शर्मा, आपने मिरर फॉर्मूला को यू से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और यू बाई वी निकालने के बाद रिलेशनशिप को उल्टा कर दिया, वी बाई यू निकाल दिया, मैग्निफिकेशन में वैल्यू पुट कर दी, एक बार आप जरूर करके देखिए, मैथमेटिकली आई डोंट थिंक ही कोई दिक्कत आएगी आपको बेटा, राइट, सो थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू ऑल बेटे।